मेरा ब्रश दे, मेरा ब्रश ली है, ये तो मेरा ब्रश है, ये तो मेरा ब्रश है, तुम्हारा ब्रश किधर है, तुम्हारा ब्रश कहाँ है, डैडी को बोलो तुम्हारा ब्रश ला देंगे, डैडी को बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग मिस्टर मिसेज आना चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सब उठ गए हैं यहाँ पे, देखिए सुबह सुबह आ गया अभिषेक, अभिषेक का भी चैनल है, तुम्हारे चैनल का नाम क्या बता दो अभी नहीं आपको इतनी खुशी क्यों ब्रश देखो ना। अरे आज संडे को मैंने सोना का ब्रेकफास्ट भी बना लिया है, आपने देखा कि वो ब्रश कर रही है, आफ्टर ब्रश मैं उसको ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। गेट खुला होता है तो इसको बस मौका मिल जाता है बाहर भागने का, इतना तेजी में बाहर भागती है, इसीलिए गेट हम लोग बंद रखते हैं। सोना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बार बार जब भी गेट खुला होता है मेन गेट, तो बार बार वो बाहर। मैं हूँ रोहित और ये है मेरी पूरी उपासना, जैसे मेरी वाइफ, पूरी मतलब वाइफ, हम लोग बीबी बोलते, बीबी को बुरी बोलते हैं नेपाली में, यार बुरा बुरी, बुरा बुरी। सो गाइस अभी जो है संडे का दिन है, सुबह का बज रहे 10 और सोसाइटी लोग मिलके नीचे पार्किंग का साफ सफाई करना है, तो ये भी जरूरी है साफ सफाई रखना अपने आसपास जहां हम लोग रहते हैं, तो पार्किंग में आके जुड़े हो गए है ना उपासना। तो चलिए हम जाते हैं, अभी चलिएगा साफ सफाई करना। अंकल जी नमस्ते। वेल गाइस अभी साफ सफाई अभियान चल रहा है, ये टेक्निक कि ये सफाई जल्द से जल्द हो जाए और हम लोग थके भी नहीं, और झाड़ू भी हाथ से लगना चाहिए। बड़ा चीज है यूनिटी ग्रुप, हाँ। में सारे लोग जब फ्लैट के 24 फ्लैट के लोग जितने लोग यहाँ पर रहने आ चुके हैं उतने लोग आके यहाँ रहे और अपना अपना झाड़ू खाली घर से उठाने वाला ले आए, हाँ। और अपना अपना एरिया नीचे का साफ कर दे तो सफाई हो जाएगा और यूनिटी बनेगी और गेट टुगेदर करने में आसानी रहेगी, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम ना, यानी कि चाहते हैं वही टीम वर्क हो जाए ना, मिल जुल सफाई एक बार हफ्ते में तो होना ही चाहिए। टीम वर्क में मेरा बेटा भी आया है। अरे वाह, तक रूडी भी आया है। हेलो गाइस, अब से गाइस देख सकते हैं साफ सफाई एकदम तेजी में चल रहा है, अभी पैसे साफ कर रहे हैं उत्तम सर, देखिए यहाँ पे ये अच्छा है, हाँ सूखेगा तो अपने आप निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, मंदिर बन जाए रोज पाठ पूजा करना भी होगा क्या? ये पूरा पार्किंग का आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे मैंने साफ सफाई किया और मैं हो गया पूरा टायर्ड और पूरा कपड़ा हो गया गंदे और मैं अभी थक गया हूँ, नहाने धोने की तैयारी करूंगा, जाऊंगा सैलून कुछ बाल वाल कटवाने हैं मुझे, और यहाँ पे उपासना कर रही है मेरे लिए नाश्ता तैयार, देखिए रोटी है तो बट मुझे अच्छा लगता है, रात का रोटी सेका भी बहुत अच्छा है, मुझे पराठा अच्छा ये रोटी लगता है, बस हो गया तो इसको हटा देते फटाफट, क्योंकि और भी कपड़ा है डालने का, बाल्टी में रखा हुआ तो वो सारा कपड़ा आप डाल देते हैं। हो गया है शाम और अभी जो मैंने यहाँ पे कपड़ा डाला था ये सारा, आज हवा भी चलना स्टार्ट हो गया तो कुछ कपड़ा तो मैंने निकाल लिया है, बाकी कुछ कपड़ा जो है अभी नहीं निकाला क्योंकि ये सूखा नहीं है, थोड़ा सा हवा स्टार्ट हो गया चलना, बस बारिश ना हो, वहाँ पे बकाला एकदम बादल बादल हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बारिश होगा, बस बारिश नहीं हो बाकी का कपड़ा हवा से सूख जाएगा। देखिए डुगू आया हुआ, हेलो डुगू, हेलो बोलो। तो चंदा दीदी आई है, चंदा दीदी गई है नीचे दिया बत्ती करने, और ये अगरबत्ती है बेटा, हटो ना अगरबत्ती, बाबरे अभी जल जाता, अभी जल जाता, चलो हाँ नीचे गई है, हाँ तो रूडी सुन लिया कि बड़ी मम्मी आई है तो भागा है, पड़ेगा कि कहीं बारिश हो कि कपड़ा पूरा गीला ना हो जाए, कपड़ा गीला होगा तो उसमें बाबू का भी कपड़ा है, सो लाइट कटा हुआ है और शाम हो गया है तो लाइट वगैरह सारे रूम का जला देती हूँ। सोना के ओट्स का डब्बा जिसमें ओट्स भरा हुआ है, सोना खान बिल्कुल पसंद नहीं करती है खाना, तो बहुत मुश्किल से उसको खिलाती हूँ मैं। हवा चल रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा बाल थोड़ा थोड़ा सा उड़ रहा है, तो इसका मतलब हवा चल रहे हैं। यहाँ देखिए शाम हो गया और अजान होने लगा, तो दिया बत्ती मैंने कर लिया, दिया जला लिया, दिया में पूजा का तेल खत्म हो गया तो रूको बोली थी तेल लेके आने के लिए, लेकिन लेके आए नहीं। यहाँ पे मेरा जो है किचन का हेल्प करने का ये है, ये मेरे किचन में मुझे बहुत नीड होता है इसका, तो ये नीचे गिर गया था हवा से। सो कभी कभी ये जो एग्जस्ट फैन है ये ऑटोमेटिक चलता है बिना मतलब बिना स्विच ऑन किए, क्योंकि हवा बहुत तेज होता है ना, जो किसी दिन पता नहीं सराउंडिंग हवा होता है पूरा जिसमें साउंड बहुत होता है, तो वो अपने आप वो चलने लगता है स्टार्ट आ गया। और कल है जन्माष्टमी, तो रूको मैं बोली थी कि जन्माष्टमी का सोना का राधा का कॉस्ट्यूम ला देने के लिए, पर वो अभी तक नहीं लाए हैं और आज है 25, कल है 26, तो पता नहीं उनके दिमाग में रहते ही नहीं है बात कुछ भी। तो गाइस आज मैं डिनर में बनाऊंगी नेनुआ का भुजिया, तो यहाँ पे लेके बैठूंगी बालकनी साइड में क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मैं नेनुआ का भुजिया मतलब नेनुआ का सब्जी आज बनाऊंगी तो यहाँ पे बालकनी में लेके बैठ के काटूंगी, क्योंकि अंदर किचन में बिल्कुल हवा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और
यहाँ पे आराम से बैठ के मैं कार्ड छंट कर लूंगी, उसके ले जाके वहाँ पे किचन में ले जाके छोंक दूंगी। सोचो कि आटा भी लाके मैं यहीं पे आसान लू आराम से यहाँ पे बैठ के। अरे कच्चा ची निकालो ची। तो सोना यहाँ पे नेनुआ खड़ी है, देखी कुछ भी इसको चाहिए बस मुंह में डालने के लिए। ए ची टेस्ट कैसा है सोना, टेस्ट कैसा है, कैसा है टेस्ट? और गाइस आज आई है चंदा दीदी, दिया चलन हुआ, दिया चलन हुआ, तो बस नु खाना खाए जानू ना। अरे खाना खाए जानू ना, बस नु जरा मु मंगाई दिन छु पक्का, कौन जे तो मंगाई दिन जल लियो। तो गाइस आज का डिनर चंदा दीदी का यहीं पे है, तो चंदा दीदी चोपटा खाएंगे। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं घिउरा काट रही थी, दीदी बोले कि ये नहीं खाएंगे, अगर डिनर में रोकना है तो चिकन खाएंगे। तो चिकन फटाफट मंगाते हैं, फटाफट बनाते हैं। तो गाइस रोक गए हैं चिकन खाने, तो फटाफट यहाँ पे प्याज वगैरह काट छांट के दीदी बोले कि लेके आओ प्याज वगैरह मसाला वगैरह पीस के रख दो। सो यहाँ पे प्याज वगैरह छील दी है दीदी और नेनुआ भी काट दिए, तो वहाँ वो नेनुआ वहाँ पे रखा हुआ है, तो वो सुबह मैं बना लूंगी। और यहाँ पे लहसुन छिला हुआ है, तो फटाफट जाती हूँ मसाला रेडी कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सोना को मैंने सुला दिया, सोना आज बहुत ही जल्दी मतलब सो गई है। यहाँ पे चंदा दीदी और वो किचन में लगे हुए हैं, दोनों देवर और भाभी किचन में लगे हुए अपना बिता देते हैं। कूलर मस्त यहाँ पे चला दी हूँ, कूलर चल रहा है, आराम से यहाँ पे लेटेगी, फिर मैं फटाफट जाके रोटी बना लेती हूँ। फिलहाल वगैरह डला चुका है और यहाँ पे हमारा चिकन भी आ गया, तो चिकन अभी क्लीन हुआ नहीं, डाल देगी। नहीं आप अच्छा बनाते हैं, मेरे हाथ से भी खराब हो जाता है, हमको इनके हाथ का चिकन सही में नहीं अच्छा खराब हो जाता है। चंदा दीदी मटन अच्छा बनाती है, मसाला ज्यादा होता है, मछली जल्दी सादी बनाती है, चिकन तुम्हारे हाथ का ही हमको अच्छा लगता है, मछली आराधना बहुत अच्छा बनाती है। तो इस रोटी मेरा बन गया है, यहाँ पे देखिए आज इतना ज्यादा रोटी बना है, इतना रोटी मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है। यहाँ पे मैंने चढ़ाया है चावल, हटो ना हटो हटो, ड्रामा मत करो मत करो। और सब्जी यहाँ पे बस लमसम हमारा पकने ही वाला है, चावल पकने वाला है, बस जैसे ही सब्जी चावल पक जाता है वैसे ही हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया, दीदी लोगों को जाना भी है घर। सो हाँ फटाफट करते हैं, यहाँ पे बन रहा है सलाद, तो फटाफट सलाद भी बन जाता है, और उसके बाद मैं बना रहा हूँ सलाद, मैं इसका पूरा। यहाँ पे प्याज कटेगा, भी मिर्चा कटेगा, धनिया का पत्ता हमारे पास है नहीं, कुछ दिनों से धनिया का पत्ता नहीं मिल रहा है, धनिया का पत्ता बहुत ज्यादा महंगा हो गया, धनिया का पत्ता सूखा सूखा नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा हो गया, इसलिए हम नहीं लेके आ रहे, झूठ बोल रहे, अरे महंगा भी है। तो चलिए गाइस देखते हैं चिकन का क्या हाल है, क्या हाल चाल है चिकन कुकड़ू का, कुकड़ू का खाने के बाद पेट में मुर्गा क्यों नहीं बोलता है कुकड़ू का। तो गाइस इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ग्रेवी डालना पड़ेगा क्योंकि एकदम सूखा हो गया है, और तो यहाँ पे हम लोग का खाना पीना स्टार्ट हो गया है गाइस, क्या है लेकिन 9:10 हो रहा है और खाना खाना स्टार्ट हो गया हम लोग का। यहाँ है भाभी भौजी भैया डुबू रूडी सुनना मम्मी को देखोगी तो तुम छोड़ दो, हाँ धीरे धीरे टहलाओ, एकदम धीरे धीरे टहलाओ, तो भूली हुई है फटाफट चल के, अब मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। कहना ये कभी कभी काम ही नहीं करता, ये देखिए रू क्या किए हैं, पूरा इसका मुंह पूछ दिए हैं, तो ये कभी कभी काम नहीं करता बिल्कुल। तो अभी बहुत बार 4-5 बार करने के बाद अभी गैस हमारा जला है, तो फाइनली हमारा गैस जल गया है। तो यही यहाँ पे सुबह का जो दाल बचा हुआ था वो दाल मैंने उबाल लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी डाल के मैं दाल को पी लेती हूँ। दाल को पीना जो भी मॉम अगर ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनको पता है कि दाल पीने से मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो अच्छा होता है, तो इसीलिए दाल जो भी बचा खुचा होता है जैसे कि आज बचा हुआ था इतना दाल पी लेती हूँ। गाइस अभी जस्ट मुझे याद आया कि मैंने बालकनी से कपड़ा अभी तक नहीं उठाया, बालकनी में वैसे ही कपड़ा पड़ा होता है, जब बालकनी में फटाफट पहले कपड़ा उठाऊंगी। कपड़ा हमारा दूध भी उबल गया है, ये देखिए दूध उबल गया है, और रात का 11:30-12 होने जा रहा है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कल मिलते फिर एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।